चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं। नाम है धर्मवीर, जो कि इटावा यूपी से हैं। और सबसे खास बात यह कि धर्मवीर को एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है, जिनकी ऑल इंडिया 228 रैंक थी। तो सबसे पहले धर्मवीर, आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैंग हो गया। धन्यवाद सर। सर हाँ बोलिए। ये सर आपकी सर जो यूट्यूब पर मैजिकल कैप्सूल था सर, उसी की बदौलत ये सब पॉसिबल हुआ। और सर मैं मतलब जेई मेंस वगैरह की तैयारी भी पहले सब मतलब किया था आरडी शर्मा से, तो सर उसमें कुछ हो नहीं पाया था। तो सर मैं फिर मैथ 3 साल तक छूट गई थी, पर मैं यूट्यूब के मैजिकल कैप्सूल से रिवीजन सब करता रहा और सर आरडी शर्मा को प्रॉपर सॉल्व किया फाइनल ईयर में जब मैंने निमसेट दिया। तो सर और जो सर लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से पेपर लगातार लेट हो रहा था, तो उसमें हमें अच्छा खासा टाइम मिल गया था सर। तो उससे हमने सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छे से की और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा, और बाकी सब मैजिकल कैप्सूल से जो भी किया था सर उसी का रिजल्ट है सर। देखिए धर्मवीर हमारे मैजिकल कैप्सूल कोर्स से जुड़े थे। मैं धर्मवीर के बारे में, धर्मवीर अपनी सक्सेस स्टोरी बताए, मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि धर्मवीर ने जेई मेंस को 3 बार दिया और जेई एडवांस को 2 बार दिया, पर जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी नहीं मिल पाया और जेई मेंस के थ्रू जो एनआईटी जो कॉलेज मिल रहे थे उसके साथ इनका मन नहीं था कंप्रोमाइज करने का। बिल्कुल मन में ये बात बल्कि पक्की थी कि या तो आईआईटी जाएंगे या एनआईटी जाएंगे। उस वजह से इनका जब वहां नहीं हुआ तो इन्होंने बीसीए किया और बीसीए के साथ देखिए इस बार एनआईटी निकाला और इलाहाबाद ही जा रहे हैं। तो जीवन में कभी कभी जब हम समझौते नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। और धर्म भी बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ की जो सक्सेस जर्नी है, क्या होता है लोग हमेशा सक्सेस जर्नी बताते हैं पर आपका कुछ पार्ट वो फेलियर नहीं है, वो लर्निंग है। जिसे लोग फेलियर बोलते हैं, मैं मानता हूं कि वो हम मान लीजिए कभी किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कई लोग उसे बोलते हैं फेलियर। मैं बोलता हूँ फेलियर नहीं, वो लर्निंग है कि हम किस वजह से बाई चांस एग्जाम नहीं निकाल पाए, कहाँ हमारी कमी रहेगी और अब हम आगे कैसे सुधारेंगे। तो मैं आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो जानना चाहूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश किसी एग्जाम में नहीं क्वालिफाई हो जाते हैं और कई बार उनमें टेंशन या डिप्रेशन आता है। तो आपने ये सब चीजों को बहुत पास से फेस किया है, मतलब बहुत ही करीब से इस चीज को देखा है, समझा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस जरूर बताएं। सर जब मैं जेई मेंस सब की तैयारी कर रहा था तब सर कुछ भी मतलब मैं कभी असफल नहीं हुआ। 12th में 80% सब आ गए थे नंबर, 10th में भी 80%। तो सर कभी असफलता मतलब हाथी नहीं लगी। तो मुझे जो मेहनत करने का जो तरीका था, जो भी किस कंपटीशन में मतलब कितने लेवल तक मेहनत करना चाहिए था, इसका अंदाजा नहीं था। पर एक बार असफल हुआ, 2 बार असफल हुआ, 3री बार असफल हुआ सर। एनआईटी वगैरह मिल भी रही थी, मिजोरम मणिपुर वो दूर पड़ रही थी तो फैमिली ने नहीं भेजा, और सर ब्रांच भी अच्छी नहीं मिल रही थी तो मैंने बीसीए किया सर। लेकिन जो सर इस बार मैंने मतलब पेपर जो पैटर्न एनालिसिस किया और निमसेट जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे, तो मुझे सर लग रहा था कि मैं इस बार क्रैक आसानी से कर लूंगा। और सर उसके लिए मैंने प्रॉपर पढ़ाई की, पेपर को एनालिसिस किया और सर मैंने एग्जाम वगैरह दिया। और सर ऐसा होता ना कि जब चीजें मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना सर, तो मतलब असफलता बहुत कुछ सिखा देती है सर। सर यही था कि मतलब जो असफल था मैं, तो वही एक्सपीरियंस बन के मेरी लाइफ में मतलब सक्सेस स्टोरी बन गई एक तरीके से। बिल्कुल सही बात है। असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है जब हम फेलियर होते हैं। एक्चुअल में फेलियर गलत वर्ड है, एक्चुअल में मैं हमेशा ये मानता हूँ वो एक्सपीरियंस होता है हमारा। और आप माने ना माने पर वो जो आपने उस समय पढ़ाई की थी वो पढ़ाई भी काम आई। निमसेट की पढ़ाई में बहुत काम आती है आईआईटी प्रिपरेशन। पर कई बच्चे जब एक दो बार फेलियर होते हैं या सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। आपने ये कंडीशन को मतलब 2 बार फेस किया, कॉलेज नहीं लिया, कंप्रोमाइज नहीं किया, तो ऐसे में क्या होता है फैमिली फ्रेंड सबके प्रेशर इनडायरेक्टली आ जाते हैं, लोग हमको थोड़े अलग नजरों से देखते हैं। ये चीजों को फेस करने में कई बार तकलीफ होती है और इसमें हम कई बार टेंशन में आ जाते हैं। पर आपने इन सब चीजों को ध्यान रखने के बाद भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और देखो एंड रिजल्ट आज आपके सामने। आज आप फाइनली एनआईटी के भी सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक कॉलेज में जा रहे हो और अच्छी ब्रांच के साथ। मतलब आज सबसे ज्यादा ट्रेंड ब्रांच अगर बीई में देखें तो कंप्यूटर साइंस है, और या फिर हम एमसीए करें, ये दोनों ही चीज एक लेवल पे हो जाती है और पीजी कोर्स के लिए जा रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है धर्मवीर, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। और मैं चाहूंगा धर्मवीर, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफी कुछ
इस तरह का एक्सपीरियंस लिया है, तो ऐसे बच्चे जो आपको लगता है लाइफ में कि जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, आप उनके लिए एज अ मोटिवेशनल काम करो, कुछ ऐसा करो कि वो आप, क्योंकि आपका एक वर्ड उनकी लाइफ में बहुत चेंज ला सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आपने जो आप अपना क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। सर मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मैंने BCA किया है सर, तो सर वहाँ पे एक लाइफ मैनेजमेंट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है सर, तो उसमें सर स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। तो सर जब उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें आती थी ना सर, तो हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जो चीजें एक्चुअल में मतलब असफलता सब चीजें होती है ना सर, यही आगे प्लस पॉइंट बनती है सर। तो ये सब चीजें रही थी सर, वो हमें वहां से सीखने को मिली। और दूसरी बात सर, वहाँ पे टीचर्स थे वो सब ये बोलते थे कि अभी तक क्या तुम कर चुके हो ये मैटर नहीं करता सब सक्सेस के लिए, मैटर ये करता है कि अभी तुम क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो अभी भी। तो सर वही चीजें थी। और सर ऐसा भी लग रहा था कि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था इस बार NIMCET की, तो सर डाउट होता था कभी कभी कि इस बार होगा कि नहीं होगा, पर हाँ यस सर। तो सर फिर मैं मन में ऐसा ही सोच लेता था कि अब तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर इस बार होगा सर। ऐसा अंदर से मतलब ऐसा लग रहा था कि 3 बार असफलता मतलब हाथ लगी थी सर NIMCET, उसमें जेई मेंस में एक तरीके से, क्यों NIT नहीं मिला था यस सर। तो सर ऐसे समझ लो कि 3 बार का भूखा था, 1 बार कुछ खाना चाह रहा था, सही है, मतलब NIMCET के लिए ऐसी भूख थी मेरे अंदर थी सर। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में केवल एक ही यही मौका मिला था सर, कि जो अपने आप को गलती मतलब जो भी हुई थी उसकी वो सुधारने की सर, क्योंकि सर वैसे सभी को मौका नहीं मिलता गलती सुधारने का सर, हमें मिला था इस बार, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली कह रहे थे और इस अवसर को सर सौभाग्य में बदलने का काम कर रहा था सर। और सर ऐसा लग रहा था कि अगर इस बार मैंने ये सब नहीं कर पाया तो मैं खुद को अपने आप को मतलब कभी माफ नहीं कर पाता सर। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सर मतलब इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है सर, तो इसलिए मतलब मैं वो सोच के पूरी तरीके से पूरी जी जान से सर NIMCET की प्रिपरेशन किया था। बहुत अच्छा लगा धर्मवीर, देखो मुझे आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, और बहुत कुछ जो आपने बोला ना, देखो क्या होता है कि हमने जीवन में जो निकाल दिया उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, आगे क्या कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर, पर मैं एक चीज और बोलूंगा कि आपने ये सोचा, आपका रिजल्ट भी अच्छा है, पर जीवन में आगे के लिए एक और एक फॉर्मूला दूंगा कि जो आपकी लाइफ में मिला है बाई चांस ना मिल पाए तो उस पर अफसोस करने की जगह सोचो कुछ और अच्छा मिलने वाला है। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसी निराशा ना आने दें, ना किसी दूसरे को आने दें। और अच्छे कॉलेज से आपकी एजुकेशन हुई, अच्छे टीचर्स का सपोर्ट मिला, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस रिलीव होता रहा, आपको समझ में आया कि यार लाइफ में ये सब तो लाइफ का पार्ट है, जर्नी है, हमें एक एक करके बढ़नी है, और हम अपनी जर्नी को कैसे करते हैं एक्सपीरियंस वो हमारे ऊपर है। तो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आपसे बहुत बात करूं, और बड़ा मजा आया आपसे बात करके। तो आप ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छे मोटिवेटर हो गए। बीच बीच में हम अभी भोपाल एक सेशन रखेंगे जब भी मैं बुलाऊंगा आपको, और बीच बीच में भी कभी जरूरत होगी, तो ऐसे बच्चे जो बहुत जल्दी हिम्मत हारते हैं आप उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी जो आपकी है ना, वो उनके लिए एक लैंडमार्क का काम करेगी। तो बड़ा मजा आया धर्मवीर आपसे बात करके। अब आपको अभी तो पहला सेमेस्टर अब घर पे ही पढ़ाई करनी है, पर नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप कॉलेज जाएंगे तो आप कॉलेज वाला फील भी ले पाओगे। यस सर, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सर। आप कुछ और बोलना चाहेंगे? सर यही बोलना चाहेंगे कि सर जो भी NIMCET वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी सर एक मतलब पेपर की एनालिसिस जरूर करें और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें, और जो भी मतलब चीजें हैं वो प्रॉपर वे में पढ़ें। और दूसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट में मतलब एक लिमिटेड टाइम कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैथ पर करें, क्योंकि 60% वेटेज यही होता है, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी मैथ पे ही डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़ें कंप्यूटर सब भी मतलब पढ़ते रहें, ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं उसी समय, बस सर यही कहना चाहेंगे। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर।